हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग रुचि की रुचि। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज ना मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एज यू गाइस नो कि मैं बालवीर सीजन 3 कर रही हूँ और आज मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है बालवीर का हार्नेस के साथ, और मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तक एक्चुअली मैंने कभी भी ऐसे कोई सीन्स नहीं किए हैं, तो चलते हैं और हार्नेस पे लटक जाते हैं। मैं भी हार्नेस सीन कर रही हूँ। या सो आज मेरी पर्सनल वीडियोग्राफर ही बोलते हैं ना, आदिति है, आदिति सानवाल, योर फेवरेट काश्वी। अब मैं रेडी हूँ हार्नेस पहनने के लिए। मुझे बस हार्नेस पहनाने वाले दादा आने वाले हैं। बहुत डर लग रहा है। आज तक नहीं पहना है मैंने। ये तो सिर्फ एक जैकेट है ना, हार्नेस तो उसके ऊपर से बाद में वैसे लगेगा ना, वो हुक लगाना पड़ता है उसको। बड़ा आ रहा है मुझे तो, दूसरा लाना पड़ेगा। सो गाइज, अब मैं अपने क्रोमा फ्लोर पर जा रही हूँ, मेरा शूट यहीं पर है। हेलो सर, कैसे हैं आप? नहीं, मैं तो अपने शूट के लिए आई हूँ। सो नव्या, हाउ इज योर फीलिंग? एक्साइटेड एंड स्कैर्ड। So sweet. मोटी लग रही है नव्या। हाँ, थोड़ी सी। अंदर जैकेट पहन के अपनी ईवा दीदी की तरह। नहीं, दीदी तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझसे ज्यादा पतली हो। So guys, अभी मेरा तो नहीं, अभी बालवीर का शूट हो रहा है, इसके बाद मेरा होगा। सो गाइज, ये हमारा क्रोमा फ्लोर है। बेसिकली क्रोमा फ्लोर होता है कोई भी ऐसे फैंटेसी वाले या VFX सीन करने के लिए जो हम नॉर्मल कहीं सेटअप बना के नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्रोमा फ्लोर यूज़ करते हैं। और ये मुझे हार्नेस की रोप्स लग रही हैं। जैकेट तो मैंने पहन ही ली थी, बट हार्नेस की जो सपोर्टिंग रोप्स होती हैं ये वो मुझे लग रही थी, और मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था बिकॉज इससे पहले मैंने कोई हार्नेस का सीन नहीं किया था। मैं बहुत अजीब से क्वेश्चन पूछ रही थी अपने डायरेक्टर सर से। एक्चुअली सच बताऊँ तो शॉट के पहले मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी, बिकॉज मेरे पैर फोल्ड हो जा रहे थे बार बार। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है, और मुझे बहुत डर भी लग रहा था। सो फाइनली हमने शॉट किया किसी तरीके से डर के। ये हमारा पहला शॉट था जब मैं और हिया ऊपर जा रहे थे, और मुझे देखो, मैं कैसे पागलों की तरह से, छोटे बच्चे नहीं होते ऐसे डर के मारा, मैं अपने सेंसेस में ही नहीं थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। हाथ एक ही जगह पर रुके हुए थे, बार बार रीटेक हो रहा था। इतने तो रीटेक मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं दिए थे जितने मैं इसमें दे रही थी। या तो मैं एक्सप्रेशन दे पा रही थी तो मैं गिर नहीं पा रही थी, मैं गिर पा रही थी तो मैं एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था, डर भी लग रहा था, साथ में हवा भी चल रही थी, एक्सप्रेशंस भी देने थे मुझे, मेरे पैर पर भी कंट्रोल करना था कि कहीं मैं नीचे ना चली जाऊँ, मतलब मैं पैर अपना फोल्ड ना कर लूँ जैसे मैं हर बार कर रही थी। प्लस वीर भी ऊपर से आ रहा था, मुझे बालवीर को भी एक्सप्रेशंस देने थे। बहुत सारी चीज़ें थी गाइस, एक साथ इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बट किसी तरीके से हमने ये सीक्वेंस किया। बेसिकली मैंने ये सीक्वेंस कंप्लीट किया। थोड़ा सा और पैनिक चाहिए।
गिर रहे थे और झटके से रुके। एक काम करो, बहुत अच्छी हुई, थोड़ी देर ऊपर लो और सेम मार्क पे छोड़ना, झटके से छोड़ो, बस इतना ही छोड़ना, ऊपर लो, बहुत अच्छी हुई एक्शन में नीचे छोड़ना। चलो चलो गाइस, अभी नव्या का हार्नेस का सीन होने जा रहा है और अकेले अभी तक तो मेरे बालवीर के साथ था, थोड़ा सा नर्वस लग रही है बच्ची, डरती हुई नव्या। और अब बारी आ गई थी मेरे सोलो शॉट की। इस समय तक मैं एकदम कंफर्टेबल हो चुकी थी, मेरे डायरेक्टर सर ने मुझे एक एक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझा दी थी, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, मैं हार्नेस टीम के साथ भी बहुत ही कंफर्टेबल हो गई थी। सो फाइनली हमने ये सीक्वेंस किया पूरी टीम ने मिलकर, और आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा कि ये सीक्वेंस कितना ब्यूटीफुल और कितना अच्छा आया है। सो बेसिकली जो बालवीर सीज़न 3 फॉलो कर रहा है उसको ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा सीन है, जब मैं और नव्या गड्ढे में गिर गए थे तो बालवीर हमें ज़मीन पर बचाने आया था, ये वो सीन है। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, बालवीर के जितने भी फैंस हैं वो सब खुश हैं या नहीं, आप सबको कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स देख के, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बारी बंसी खटनिया से, ओ हमारी परी उड़ रही है। थोड़ा पैर वैर चलाना बेटा, चिल्लाना मिलाना, हाँ बोल, एक्शन, हवा तेज दे। और खड़े हो जाओ, कौन आया देखो ऊपर, बालवीर आया क्या, कट ये ऊपर, एक बार उसको नीचे लो, एक्शन में जा पीछे, गिर रही है, गिर रही है, और पूरा बॉडी छोड़ नहीं, अगर सही में गिर रहा है कोई तो कैसे होगा, बिल्कुल डाउन, पैर ऊपर आएंगे, हाथ में मारना थोड़ा, चल रोड जाना, मान चलाओ एनर्जी कर, वेरी गुड, एक्शन, पैर ऊपर रख, जितना ऊपर कर सकती है पैर ऊपर कर, चिल्ला तो जैसे ही हमने वो वाला हार्नेस सीन किया, हमारा एक दूसरा हार्नेस का सीन भी हमें करना था जिसमें सेम वही कंटिन्यूटी का सीन था, बट उसमें हम गिर रहे थे, इसमें हम नीचे गिरते गिरते एक वॉल पर आके रुक जाते हैं, बेसिकली ये गड्ढा है, गड्ढे का एक वॉल दिखाया गया है, ये हमारे सेट पर ही बनाई गई थी ये वॉल, और नव्या को इसमें बहुत डर लग रहा था, एक्चुअली ये थोड़ा सा डरावना था बिकॉज अभी तक तो हम डायरेक्ट फ्लोर पर गिर रहे थे, बट अब हमें रास्ते में एक जगह स्टक होना था, ये वॉल हमें पकड़नी थी, और बिकॉज हम बहुत हाइट से ऊपर गिर रहे थे, देखिए आप नव्या जैसे बहुत ही हाइट पर है, अगर हम नीचे आते हैं ना तो हमें डर लग रहा था कि कहीं कोई ये पत्थर ना हमारे पैर में लग जाए, या जो ब्लॉक्स बने हैं पकड़ने के लिए हम वो ब्लॉक्स पकड़ पाएँ या ना पकड़ पाएँ, कहीं पैर में ना लग जाए, एक्चुअली मेरे और नव्या के पैर में थोड़ी थोड़ी सी लग भी गई थी, हल्की हल्की सी खरोच आ गई थी, तो स्टार्टिंग में नव्या बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं भी एक्चुअली डर गई थी, बट फिर धीरे धीरे ये सीन हमारा अच्छा हुआ और हमने अच्छे से किया। अब मेरी बारी थी, मैं लटक रही थी, मुझे बता रहे थे आरपी हैं शायद, ये आरपी मुझे बता रहे थे कि रुचि ये ब्लॉक है, यहाँ पर आपको हाथ लगाना है, यहाँ पर पकड़ के आपको सपोर्ट मिलेगा, जब आप ऊपर से नीचे गिरोगे तो इसी ब्लॉक में आपको हाथ डालना है तभी आप स्टक हो पाओगे एक जगह, बिकॉज मेरे पैर लंबे थे तो वो फ्लोर से बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं थे,
तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कि कहीं क्रोमा ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। और इसके लिए भी हमने अराउंड 5 से 6 टेक लिए थे, बार बार ऊपर से नीचे ला के छोड़ना, फिर नीचे से ऊपर ले आ जाना, थोड़ा सा हैक्टिक ये भी था। दो दो तीन तीन कैमरे लगे हुए थे, एक तो जस्ट मेरे फेस के लेवल पर लगा था जो कि ऊपर में ही था, और दूसरा कैमरा नीचे लगा था। कपड़े भी उड़ जा रहे थे बार बार बिकॉज हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी। सीक्वेंस ऐसा ही था कि हमें हवा चलानी थी। मैं बार बार ना गलत वॉल ऊपर पकड़ ले रही थी, मुझे नीचे का ब्लॉक पकड़ना था, मैं बार बार ऊपर वाला जो है वॉल है वो पकड़ ले रही थी, तो थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बाकी और सब अच्छा था। और तो सब आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा, आप लोगों को समझ में आया ही होगा। आप लोग देख रहे हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है गाइस, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज़ शो मी सम लव, प्लीज़ मेरे व्लॉग को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें बालवीर फैमिली, बालवीर को, बालवीर फैमिली को, सबको। थैंक यू सो मच गाइस, बी कंटिन्यू विद रुचि की रुचि, मेरा व्लॉग देखते रहें आगे भी। आप जब ऐसे ना एयर में आपने लेफ्ट भी किया ना ऑटोमेटिकली लेफ्ट घूम जाओ ऊपर, रेडी, क्योंकि एक्टिंग अभी टर्न होने के बाद चालू हुई, वो स्टार्ट से रखो, रेडी, हाँ यहाँ से घुमा पास, रेडी हो कैमराज रोलिंग एंड 3 2 1 एक्शन कट। सो गाइस नव्या बहुत ही खुश है बिकॉज उसका आज का सारा हार्नेस का सीन बहुत अच्छा गया है, उसने बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट दिए हैं। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बालवीर के बीजीएस के लिए ऐसे ही रुचि की रुचि के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।